बैनर तले भाइयों का सिख भाइयों का बड़ा स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पंच प्यारों और गुरु गोविंद जी का जो डोला आ रहा है उसके लिए सफाई व्यवस्था को देखते हुए पूरे तरीके से श्रद्धालु महिला पुरुष मिलकर मार्ग को साफ कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। और ये सभी लोग सुबह से ही लगे हुए हैं पूरे तरीके से जिन जिन मार्गों से इनका डोला निकला है सभी लोग आगे की ओर बढ़कर साफ सफाई अभियान में देखे जा सकते हैं। और ये देखिए सभी लोग काफ़ी थक चुके हैं, शाम का समय हो चला है और वृद्ध युवा या बच्चे सभी मिलकर इस कार्य में पूरे तरीके से योगदान और देख सकते हैं इनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए पूरी व्यवस्था महिलाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है जिससे कि थकान का एहसास भी ना हो सके इन लोगों। और आपको हमारे साथ में सिख समाज के धर्म गुरु हैं, आइए बात करते हैं हम लोगों इन लोगों से। महोदय आपका नाम क्या है और ये इस तरीके से आप क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाम मेरा रजिंदर सिंह शस्त्रधारी कवि श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब तो। ये गुरु साहब की निशानी है बाज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी बाज रखते सी, ये उन्होंने निशानी है तो दुबई की नस्ल है, यदा नाम फालकन है, फालकन ये नस्ल का नाम है, तो यदा नाम है गुरबाज, इस बाज का नाम। ये गुरु साहब की निशानी समझ के दर्शन करा रहे संगत न। नगर कीर्तन चला जी, ऐसे नगर कीर्तनों से हम समाज को क्या संदेश देना चाहते? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि साढ़े जो गुरु गो साहबान सी वो शस्त्रधारी सी, तो साडा भी फर्ज बनता सी शस्त्रधारी होइए, प्लस केस गुरु साहब ने साढ़े परमात्मा ने भेजे आ, भावें कोई हिंदू आ, भावें कोई मुसलमान आ, भावें
कोई सिख आ भावें कोई ईसाई है, परमात्मा ने सारे जेडे केस भेजे आ ते साडे हिंदू धर्म के जिन्हें देवी देवते सी सारे शस्त्रधारी प्लस केसाधारी सी, ते साडे गुरु साहिबान भी शस्त्रधारी प्लस बाणी पाने वाले सी जिन्हां ने सानू शस्त्रां दे नाल जोड़िया। ते साडा नौजवान पीढ़ी नूं संदेश है कि नशे छड्डो, केस रखो, अमर छको, सिंह सजो, त्यार बर त्यार होके गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त। आपके पास धनुष है, बाण है, तलवार है, और उसके बाद भी इसकी आधुनिक जमाने के धनुष बाण की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, इसके कंपटीशन होते भाई, ये रिवायती शस्त्र है हमारे, ये हमारे रिवायती शस्त्र, और इसका कंपटीशन भी होता है, इंटरनेशनल पद्धति की गेम है आर्चरी की। आप और कुछ यहाँ के श्रोता दर्शक या भक्तों से कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, भक्तों का यही संदेश है कि किरत करो, नाम जपो, बंट के छको। दोबारा बोल दीजिए। किरत करो, नाम जपो, बंट के छको। आपका शुभ नाम? शस्त्रधारी कबीर जिंदर सिंह, श्री फतेहगढ़ साहिब। आप थे हमारे साथ कबीर जी, जो कि पंजाब से चलकर यहाँ तक आए हैं, और पूरे प्रातः से ही ये लोग मेले के दौरान यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के मौके पर शहर भर में फतेहगढ़ साहिब से आकर यहाँ लोगों को बाजों की गाथा सुना रहे हैं, और गुरु गोविंद जी की वीर गाथा के बारे में भी आम जन को बताने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यंत्र है आपका, इसका क्या नाम है और इसको बजाने का क्या उद्देश्य? इसको बजाने का उद्देश्य, इसको कहते हैं नरसिंगा, आवाज़ देता है, सचेत करता है, जो अगर नगर कीर्तन में हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे चलने के लिए सचेत करता है कि आगे चलो, आगे बढ़ो, इसको नरसिंगा कहते हैं। और ये गुरु साहिबानों के टाइम से चलता आ रहा है, गुरु साहिबानों के टाइम से चलता आ रहा है। जब नगर कीर्तन होता था, गुरु साहिब जी चलते थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद साहब के महाराज के टाइम से, गुरु अर्जन देव जी महाराज के टाइम, जब गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई तब ये बार बार इसको इस्तेमाल किया जाता है सचेत करने के लिए, कि जो आगे चल रहे हैं वो सचेत हो जाए कि महाराज की सवारी आ रही है, गुरु महाराज आ रहे हैं, ये इसलिए इसको नरसिंगा कहा जाता है। आपका शुभ नाम? और मेरा नाम हरदेव सिंह है, मैं रहने वाला पंजाब फतेहगढ़ साहिब से हूँ इस वक्त, और उत्तर प्रदेश में भी अपना घर है। तो हमें दर्शन करने के लिए यहाँ के प्रबंधकों ने बुलाया और हम दर्शन करने के लिए आए हैं, और साथ में बाज लेके आए हैं, पंछी गुरु महाराज का जो दिया हुआ शस्त्र है, वस्त्र है, पोशाक है, हमें गुरु की फौज कहते हैं, जब सजा तैयार पर तैयार होते हैं तो हमें गुरु की फौज कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी की फौज। तो ये जो है हमारा यही उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये कह सकें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने देश को आज़ाद कराओ और विषय विकारों से आज़ाद हो जाओ, ये गुरु साहब का उद्देश्य है, गुरु ग्रंथ साहब का उद्देश्य है, इसी पे हमें चलना है। और हम ये सोचते हैं कि पूरा हिंदुस्तान गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु माने, गुरु मानने की वजह से ही हमारा जो उद्धार होगा, बाकी सब धर्म ग्रंथ जो हैं पूजनीक हैं, कोई वाद विवाद नहीं किसी प्रकार का, लेकिन गुरु का दर्जा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज को है, तो हमें सभी को मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुसाई, किसी धर्म से गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु पूर्वजों ने किया है, अपने पूर्वजों का सम्मान रख करना चाहिए हमें, यही हमारा उद्देश्य। तो कह सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी मेला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हिंदू मेला नहीं कह सकते हम इसे, हम नगर कीर्तन कहते हैं। हाँ, मेल है, जरूर है कि आप इकट्ठे हैं, आप हिंदू हैं, हम सिख हैं, तो दूसरे मुसलमान भी खड़े हैं, तो वैसे एकत्रता है, हम सब मिलकर कोई सेवा कर रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई मुस्लिम है, तो है एकत्रता, मेल का ही है, लेकिन हम इसे मेला नहीं कह सकते, नगर कीर्तन कह सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो गया, गुस्सा आ रहा है, बड़े अंदाज से फूल फेंक रहे हैं आप, क्या कारण है? नहीं जी, कोई गुस्सा नहीं आंदा, कोई कुछ नहीं आंदा, ये ऊपर सतगुरु जी नीले घोड़े वाले दी सवार आ, कोई पूरी दिहाड़ी करते रहिए। आप श्रोता और दर्शकों को दिखाइए, मैंने आपसे कहा है कि गुस्से में है तो कैसे फूल डाल दे, जरा एक बार दिखा दे। ओह, ये तो पूरे गुस्से में लग रहे हैं आप देख सकते होगा, देख सकते हैं इनकी फूल डालकर पंच प्यारों का एक अनोखा अंदाज है स्वागत करने का। प्यारे दिलाने फूलों से ये ऐसा अंदाज। हाँ जी। कब से आया और मुरादाबाद से यहाँ आने के पीछे कारण क्या? मुरादाबाद आने से कोई भी भेटा नहीं है, कोई किराया दे देवे नहीं तो वो भी लेना नहीं है।
नहीं, आप मुरादाबाद से यहाँ क्यों आए और इस अनोखे अंदाज के लिए कैसे पहचाना जा रहा है आप? ए मुरादाबाद के जहाँ जहाँ टेलीफोन मिलता पूरे हिंदुस्तान में सब जगह बुलाते हैं, सब जगह जाना पड़ता आप। साल हो गए बस थोड़ा हल्का कर दे, इतना बढ़िया संगत बहुत प्रसन्न कर दिया। हाँ जी, और खुद सारे मेले को कवर करते हैं, कहीं भी मेला हो ये स्वयं अपने पैसे से जाते हैं। नहीं, लोगों का कहना है बड़े गुस्से में फूल डाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बड़े प्यार ऐसे डाल रहे तो देख सकते हैं। ये पांच प्यारियां दे अगे बरखा करदा, कोई भी कहे पैसा दे पैसे से तोलदा नहीं, एक पांच प्यारियां दे जी गुरु ग्रंथ साहब की साड़ी रीत है ना उत्ते बरखा करनी। 25 साल हो गए, आनंद आता है, आनंद बहुत। 74 साल की उम्र है तो 74 साल की सेवा या सेवा करनी पी। नरेंद्र सिंह सीना, आप जो आपको लोग देख रहे हैं आपके अनोखे अंदाज को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों? मैं उसको संदेशा देना चाहता हूँ, उनको संदेशा नहीं देना चाहता हूँ, सीने के साथ लगाना चाहता हूँ। जितने इतना प्यार करते हैं मेरे से, यानी बहुत ज़्यादा जितनी भी संगत है बहुत प्यार कर दिया वो मेरे, ये हमारी गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु जी तो जी संगत बराबर आ। मैं संगत का भी बहुत प्रभावित हूँ। तो देख सकते हैं ये गोविंद साहब की पालकी आगे बढ़ रही है और लगातार गुरु गोविंद साहब को मानने वाले व्यक्ति सभी लोग यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हुए उन पर माथा झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे तरीके से पालकी के पास सभी लोग आकर यहाँ पर अपना, और देख सकते हैं पालकी के निकट पहुँचकर सभी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और इसका मूल उद्देश्य पालकी के दर्शन करना या वहाँ तक पहुँचकर एकांतमा की शांति अनुभूति के लिए, इस तरीके का प्रयास सभी लोग यहाँ से करते हुए नज़र आ रहे हैं।